संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन, रोक से विपक्ष हुआ नाराज। एनसीपी चीफ शरद पवार बोले, हम राजनीतिक दलों से करेंगे चर्चा। संसद से एक और फरमान हुआ जारी, धरना प्रदर्शन पर रोक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कसा तंज, बोले विषगुरु का नया जय जयकार, धरना मना है। फिर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के पूर्व सीएम उद्धव के फैसले पर शिंदे सरकार ने लगाई रोक, कहा नहीं किया गया प्रक्रिया का पालन। शिंदे सरकार ने पलटा पूर्व सीएम उद्धव का फैसला, सांसद संजय राउत ने दी तीखी प्रतिक्रिया, तंज कसते हुए कहा औरंगजेब आपका रिश्तेदार कैसे बन गया। आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल कमेटी की बैठक कल, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन पर होगा फैसला, 18 जुलाई को होनी है वोटिंग। ओपी राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का किया ऐलान, सपा से गठबंधन तोड़ने की सभी अटकलों को किया खारिज, सुबह सपा चीफ बोले गठबंधन में जब तक वो है तब तक हम रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, जिहाद वाले बयान पर दिल्ली में हुई शिकायत दर्ज, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान लेने के लिए उकसाने का है आरोप। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के बयान पर बिहार में मचा घमासान, ढिल्लो ने पीएफआई की आरएसएस से की थी तुलना, बीजेपी कर रही कड़ी कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाल हुआ बेहाल, बारिश को लेकर एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 6 टीमें की गई तैनात। पैर पसार रहा कोरोना, पिछले 24 घंटे में आए 20,038 नए कोविड केस, 47 लोगों की गई जान। गोटवाया राजपक्षे ने कल सिंगापुर पहुंचकर राष्ट्रपति पद से दिया था इस्तीफा, आज स्पीकर महिंदा अभयवर्धने ने किया इस्तीफा मंजूर, 7 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का किया ऐलान। अमेरिका ने भारत के लिए उठाया बड़ा कदम, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को दी मंजूरी, अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने की थी संशोधन की मांग। नेपाल के संसद ने पास किया पहला नागरिकता संशोधन बिल, 2 साल से अधिक समय तक लटका था बिल, साल 2020 से इस विधेयक पर प्रतिनिधि सभा में हो रही थी चर्चा। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का हुआ निधन, 73 साल की थी इवाना ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। रूसी मिसाइलों का यूक्रेन के विनिसिया शहर पर हमला, 23 लोगों की गई जान, 39 लापता, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने की हमले की निंदा। सस्ते होंगे नेटफ्लिक्स के प्लान, साल 2022 के आखिरी तक एड सपोर्टेड प्लान लॉन्च करने की योजना बना रही कंपनी, प्लान के लॉन्च होने से घटेगी कीमत। 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे पैक्ड दही और पनीर, छुट्टियों में घूमना भी होगा महंगा, होटल में ठहरने पर देना होगा जीएसटी। आपातकाल के बीच श्रीलंका में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दमदार स्वागत, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली जाएगी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज, 16 जुलाई से शुरू होगी टेस्ट सीरीज। इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और सुष्मिता सेन ने किया अपने रिलेशनशिप स्टेटस को ओपन, कमाल आर खान समेत कई लोगों ने किया रिएक्ट, केआरके ने कहा ब्रो ललित मोदी सुष्मिता सेन तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए कर रही है डेट। जल्द होगी सोनम कपूर की गोद भराई, बेबी शावर के लिए लंदन से मुंबई वापस लौटी सोनम कपूर, फैंस कर रहे गोद भराई की तस्वीरें और वीडियो का बेसब्री से इंतजार।